सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, राइट? और आपकी प्रिपरेशंस एकदम अच्छी चल रही है. सो फाइनली वो दिन आ चुका है, वो समय आ चुका है जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे. द डेज हैव कम, द एग्जामिनेशन पीरियड एंड हैव कम, एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, और दिल से दुआ है कि आप सब अपने एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, ठीक है? तो मेरी तरफ से कुछ छोटी मोटी गाइडेंस जो शायद आपकी हेल्प करे कि आप एग्जाम्स और बेहतर कर सकें, जिसके अंदर मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, एंड उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा. कुछ बातें बहुत बेसिक होंगी बट बहुत इफेक्टिव होंगी, कि आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है? तो मैंने अपने पूरे डिस्कशन को ना यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 पॉइंट्स में डिवाइड करा है. तो 8 छोटी छोटी बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ए प्रॉपर स्लीप, ठीक है ना? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक ए प्रॉपर स्लीप. आपको लगेगा सर ये तो मतलब एक नेग्लिजेंट सी बात है, कैजुअल सी बात है कि सर प्लीज टेक ए प्रॉपर स्लीप. बट इस बात को एम्फोसाइज करके मैं इसलिए कह रहा हूं तुमको, क्योंकि मुझे पता है यार कि जो एग्जाम का स्ट्रेस है ना, उसमें तुम लोग सबसे पहले अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हो ना तो अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हो सबसे पहले, ठीक है? एंड आई टोटली अंडरस्टैंड द प्रेशर, आई टोटली अंडरस्टैंड द यू नो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सी एग्जामिनेशन, द टाइम यू नीड टू गिव. आई टोटली अंडरस्टैंड कि भैया हर एक मिनट प्रेशियस है, लेकिन देखो यार प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑन द एग्जाम डे ना इट्स आर माइंड विच हैज टू फंक्शन. अगर आपका माइंड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा ना, तो आप सी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे. तो प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि भाई तुम 7-8 घंटे सो प्रॉपरली, बट एटलीस्ट यार एक 5 से 6 घंटे का प्रॉपर स्लीप तुमको चाहिए ही चाहिए. प्लीज उससे कम स्लीप मत लीजिएगा. एंड एटलीस्ट बिफोर द एग्जाम नाइट, जो एग्जाम डे जो नाइट होता है ना, तो उसमें एटलीस्ट एक 6 घंटे का प्रॉपर स्लीप लीजिएगा ही लीजिएगा. सेकेंड इज प्रॉपर फूड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि ये जो समय है ना एग्जाम वाला, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट समय है. इसमें आप बीमार ना पड़े, इसमें आप वीक ना पड़े, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें, एंड अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलें. क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत हर कोई करता है यार, लेकिन ये जो स्ट्रेस बोलकर जो चीज है ना, वो स्ट्रेस बोलकर जो चीज है हमारी इफेक्टिवनेस को ना 90% किल कर जाता है या रिड्यूस कर जाता है. तो हम जितना बेहतर तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे ना, उतना बेहतर हमारा आउटपुट इस पीरियड में निकल पाएगा. जिसके लिए आप क्या कर सकते हो सर, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हो, अपने ब्रीथिंग में फोकस कर सकते हो. उसके बाद सर इंपॉर्टेंट चीज है 1.5 डेज. जो एग्जाम से पहले आपको 1.5 डेज मिलेगा ना, आप कितने अच्छे से उस 1.5 डेज को प्लान करके चलते हो, दैट इज द की. एकदम रैंडमली 1.5 डेज को अप्रोच मत कर लेना यार कि 1.5 डेज आएगा तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है. नहीं, आपने सर प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, हर सब्जेक्ट को प्लान करना है कि एग्जैक्टली 1.5 डेज में मेरे को किस वे में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है. पहले कौन सा टॉपिक करना है, बाद में कौन सा टॉपिक करना है, किस टॉपिक को कितना समय लगना चाहिए, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाला हूं, किस टॉपिक को किस बुक से पढ़ने वाला हूं, ये सारी चीजें अभी से प्लान आउट होनी चाहिए. उसके बाद अगली चीज है एग्जाम डे, द मेन डे. तो अल्टीमेटली जिस दिन आप जाकर युद्ध लड़ने वाले हो, वो वाला दिन एग्जाम डे. अब ये जो एग्जाम डे होता है ना सर, बहुत क्रिटिकल होता है. तो इस एग्जाम डे में ना आपने सबसे पहले अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. एकदम रिलैक्स होकर उठें, रिलैक्स होकर उठें, थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करें, थोड़ा बहुत टहलने जाएं, आए अपने कंटेंट को रिवाइज करना स्टार्ट करें, ठीक है? और जब एकदम एग्जाम हॉल में जाने का समय हो जाएगा ना, तो ठीक आधा घंटा पहले किताबों को बंद कर दें. आधा घंटा पहले किताबों को बंद करके ना बस रिलैक्स करें, अपने प्रिपरेशंस में फेथ रखें, विश्वास रखें अपने प्रिपरेशंस पे कि यार मैंने इतना टाइम से मेहनत करा है तो वो प्रिपरेशंस बेकार नहीं जाने वाला है. हैव फेथ इन योर प्रिपरेशंस, आई हैव फेथ इन योर प्रिपरेशंस. तुम भी तो अपने प्रिपरेशंस पे भरोसा दिखाओ, ठीक है? तो आधा घंटा पहले एटलीस्ट किताबें बंद कर दें, रिलैक्स करें, म्यूजिक सुनने का मन है म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करने का मन है मेडिटेशन करें, फिर अपने भगवान को याद करें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें और एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, ठीक है? अब जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हो सर, तो उसके बाद आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, आपको पेपर्स मिलता है आपका, तो वो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, वो अगली चीज है कि सर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से आपने 1.5 डेज को प्लान करना था ना, उसी तरीके से आपने 15 मिनट्स को भी प्लान करना है. बिकॉज ये 15 मिनट डिसाइड करेगा कि वो जो 3 घंटे हैं, आप उस 3 घंटे में कैसा एग्जीक्यूशन देंगे. आपको 15 मिनट के अंदर हर चीज प्लान कर लेना है कि किस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक को बाद में अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक में कितना टाइम लगाना है, कौन से मेरे स्ट्रांग एरियाज ऑफ क्वेश्चन है, कौन से मेरे वीक एरियाज ऑफ क्वेश्चन है, मेरे को सब कुछ डिसाइड कर लेना है. अब फाइनली सर, जब पेपर
आप लिखना स्टार्ट करोगे, जब वो पेपर आपके सामने आएगा, तो याद रखना पेपर बहुत आसान हो सकता है, पेपर बहुत टफ भी हो सकता है। अब एक चीज याद रखना कि अगर पेपर बहुत आसान आ रहा है ना, तो उतावला मत हो जाना, ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि उसी ओवर एक्साइटमेंट में तुम करोगे गलतियां, तुम करोगे कैजुअल, यू नो, कैजुअलनेस, और तुम करोगे तुम करोगे सिली मिस्टेक्स, और वही सिली मिस्टेक्स तुम्हारा अटेम्प्ट ले जाएगा, तुम्हारे मार्क्स को कर्टेल कर जाएगा। सिमिलरली अगर पेपर टफ होता आता ना बहुत ज्यादा, तो पैनिक मत होना, हाई तो मत मचाना कि भाई हाई आईसीएन इतना टफ पेपर पूछ लिया, आईसीएन ने क्वेश्चंस कहां से पूछ लिए। याद रखिए एक छोटा सा चीज बता रहा हूं तुमको, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, उसमें 40% स्कोरिंग एरिया होगा ही होगा। और दूसरी चीज, वो पेपर पूरे देश के लिए सेम रहने वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं होने वाला है, तो अपने को पैनिक नहीं मचाना है। अब मान लीजिए सर आपके एग्जाम्स बहुत खराब गया, तो द एग्जाम्स वेंट रियली रियली बैड, तो अगर तुम्हारे एग्जाम्स इतना ज्यादा खराब गया, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आपने घर जाकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपने घर जाकर बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना है, आपने बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ना अगले पेपर की तैयारी करनी है। काफी बार क्या होता है पता है, पहले एग्जाम आप दे क्या रहे, मान लो पेपर बहुत खराब गया, बहुत खराब गया, मेरे साथ भी हुआ था, सो इन दैट सिचुएशन हम लोग ना पैनिक कर जाते हैं कि यार अब तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होना है, सब्जेक्ट में तो 40 आना भी मुश्किल लग रहा है, तो अब अगले सब्जेक्ट को करके क्या फायदा, यही आप कर जाते हो गलतियां। हो सकता है कि आपका पेपर खराब जाए, हो सकता है कि आप उस पेपर में फेल भी हो जाओ, बट क्या पता आप आने वाले जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनको पॉजिटिविटी के साथ अटेम्प्ट करो, तो आपको एग्जम्पशन आ जाए, और एग्जम्पशन की क्या वैल्यू है सी एग्जाम्स में आपने पता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने को लगता है कि अपन फेल होने वाले हैं, बट इन रियलिटी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है कि अपने को उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे स्टेप मार्किंग्स दे देता है, कभी कभी ऐसे फ्री यू नो थोड़ा सा जो चेकिंग है वो थोड़ा सा यू नो इजी वे में कर देता है, कभी ग्रेस मार्किंग्स भी मिल जाते हैं, एंड अपने एक्सपेक्टेशन सुपर मार्क्स भी आ जाते हैं, सो इट हैपेंस राइट। तो आपने ना लास्ट एग्जाम तक हिम्मत नहीं हारना, लास्ट एग्जाम तक होप नहीं हारना है। पेपर अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक एग्जाम खत्म हो रहा है, आपने उस एग्जाम के बारे में भूल जाना है, अगले एग्जाम के बारे में सोचना है, और अगले एग्जाम के बारे में सोचकर आपने 200% उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, फिर घर में आना है, फिर उस पेपर के बारे में भूल जाना है, फिर अगले पेपर के बारे में 200% सोचना है, एंड दिस सेम साइकिल मस्ट गो ऑन टिल द लास्ट एग्जाम, एंड यू आर नॉट सपोज टू गिव यू नो लूज दैट होप टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। तो जब तक आप आखिरी एग्जाम नहीं दे रहे हो सर, उम्मीद आपने नहीं छोड़नी है ना। अपने प्रिपरेशन में भरोसा रखो, अपने प्रिपरेशन में फेथ रखो, बहुत मेहनत करी है तुमने, बहुत हार्डवर्क करा है तुमने, और ये प्रिपरेशन बेकार नहीं जाएगा, ठीक है ना। हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।